हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे एजुकेशन चैनल द एजुकेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, युवाओं के लिए है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं या भविष्य के सिपाही बनना चाहते हैं, उनका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम बता दें कि जो आगामी भर्ती है वो लगभग में सिपाही की 52,699 कितनी भर्ती है, 52,699 करीबन। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा और हमारे चैनल पे लगातार आप बने रहें। हमारे चैनल पे बिल्कुल सिलेबस आपको मिल जाएगा, आपको करना क्या है, मोटिवेशन वगैरह सब कुछ डाल दिया गया है। देखिए, आज से हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग की महत्वपूर्ण कक्षाएं। ठीक, तो आज पहला क्लास है रीजनिंग का और हम आपको रीजनिंग का, जैसा कि सिपाही में तो सभी को पता होगा कितने क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 37 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग का, लेकिन इनका नंबर कितना होगा, 74, यानी 74 नंबर आपका रीजनिंग। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए, आज से हम शुरू करते हैं, हमारे साथ लगातार बने रहें। और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरा चैनल जो है अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए, आपको एक सबसे बड़ी चीज बता दें, पूरा रीजनिंग मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, आपको कहीं कोई एक रुपए देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, हम लोग कमेंट कर रहे हैं पूरे शिद्दत से, आपसे लगेंगे और सिपाही का जो भी मैटर होगा आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए, लेट गेट स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक रीजनिंग। आपको मैं बता चुका हूं रीजनिंग 37 क्वेश्चन और 74 नंबर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो सबसे पहले देखिएगा, रीजनिंग में है क्या सबसे इंपॉर्टेंट, वही आज मैं शुरू करने वाला हूं। तो नंबर सीरीज, ठीक है ना, देखिएगा सीरीज के क्वेश्चन। लेकिन सीरीज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लें कि हमको नंबर सीरीज पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है और क्या क्या हमें करना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए देखिए, अल्फाबेट का आर्डर आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी एक बार लिखिए, पेन पेंसिल लेकर बिल्कुल बैठ जाइए। जैसे देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई और जेड, ये है। ठीक है, तो देखिए 26 लेटर है। आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं लेटरों को आगे पीछे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अपोजिट करके दे देगा और आपसे पूछेगा अगला स्टेप क्या होगा। तो इसके लिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है कि इनका हमको आर्डर सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे आर्डर सीक्वेंस का मतलब यह है कि जैसे ए देखिएगा तो ए का नंबर ए होता है, सभी को पता है। तो हम आपको तरीका बता रहे हैं, तरीका ये बताएंगे कि इनको कैसे याद रखा जाए, क्योंकि जब ये पेपर में आ जाएगा तो जैसे कहीं लिखा है यू बी सी एक्स, तो हम कैसे जल्दी जल्दी इसका नंबर आर्डर सीक्वेंस में फिल करके आगे बढ़ेंगे, तो बस उसी के लिए हम आपको बताने वाले हैं। तो संभवतः हम आपसे बताएं, जैसे देखिएगा ये ए से लेकर ई तक सबको याद है, याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो याद करवाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ए का एक होता है, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, ई का पांच। ठीक, तो पांच तक सबको याद है। अच्छा, अगर पांच तक याद है तो जेड सबसे लास्ट में है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 26 छह लेटर टोटल हो गए, कि 6 लेटर आपको बिल्कुल याद है। ठीक है, तो बाकी चलिए और कुछ हम देखते हैं। जैसे देखिएगा ये एफ है, ठीक है ना, एफ है, तो एफ देखिएगा बिल्कुल कैसे बना है, ऐसे है एफ। तो एफ का क्या होता है, देखिएगा अगर कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे मिला दें, इस चीज को अगर हम ऐसे मिला दें तो एक संख्या नियर अबाउट बन रही है। क्या संख्या बन रही है? 6। क्या बन रहा है? 6। तो F का लेटर, F का नंबर कितना होगा? 66। यानी F अगर देखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसका नंबर कितना होगा? 66 होगा। अब चलिए, याद हो गया ना, चलिए G का चलते हैं। तो G का देखिएगा कितना नंबर होता है, तो देखिएगा यहां हम G लिख रहे हैं। ठीक,
तो जी का कितना होता है? सेवन होता है। अब कहो कि जी का सेवन होता है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? तो जी हां, आपको पता है जी सेवन एक ग्रुप है, बोलते हैं जी सेवन ग्रुप, यानी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अगर देखा जाए, जैसे अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, तो इन सबका क्या है? ये ग्रुप है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रुप सेवन। तो जी का कितना रैंक होता है? सेवन। तो ग्रुप सेवन से आप याद रखिएगा सेवन। तो जी का रैंक भी आपको लगभग याद हो गया होगा, जी का सेवन। अब यच का देखिए, यच देखिए बिल्कुल ऐसे है, यच ऊपर को बंद कर दीजिए, नीचे को बंद कर दीजिए, देखिएगा बिल्कुल यहां से यहां को इसको हम बंद कर दे रहे हैं, तो लगभग एक संख्या औसतन क्या प्राप्त हो गई? आठ प्राप्त हो गई। तो एच का रैंक कितना होता है? आठ। ठीक है, याद हो रहा है ना? देखिएगा, एक याद करने का ये तरीका हम आपको बता रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि हमको, जैसे मैंने कहा यच, तो आप भी थोड़ी ना रुकिए, हम यच बता रहे हैं ऐसे करेंगे, ऊपर बंद करो, नीचे फिर सर आठ होगा, नहीं, जैसे यच आए आठ आप तुरंत बोल देंगे। क्यों? क्योंकि बस ये तो एक तरीका है आपको याद कराने का। चलिए ठीक है, आई का हम देखते हैं, तो देखिएगा आई, अच्छा आई हम कहें जल्दी से लिख दो आई, तो लोग ऐसे आई लिख देते हैं, ऐसे आई लिख देते हैं, तो आई देखिएगा बिल्कुल ये नाइन है आई का रैंक। अच्छा देखिएगा, ये है आई और ये देखिएगा मिलता जुलता है कि नहीं है, बिल्कुल आई है। ठीक है ना, तो आई का रैंक भी लगभग आप लोग को पता चल गया होगा। तो आई का रैंक कितना होता है? नौ होता है। जे देखिएगा, जे, जे का कितना होता है? दस होता है। ठीक है ना, तो जैसे जे जे का दस रैंक होता है, चलिए ठीक है, आप लोग बस कुछ ही एक बार बस ऐसे मतलब सिस्टमेटिक ढंग से आप उसको पढ़िए और नियर अबाउट में आपको आराम से पता चल जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, एक चीज देखिएगा, आप लोग देखते हैं कि भारत का एक अनुच्छेद है, भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है 370 अनुच्छेद था, ठीक है ना, अनुच्छेद क्या था? था, ये क्या था अनुच्छेद 370? ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। ठीक है, तो हाल ही में आपको पता, हाल ही में क्या कि मतलब लगभग नियर अबाउट 2019 का मैटर है, भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह ने या भारत की संसद ने अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन अनुच्छेद 370 कहां था? जम्मू कश्मीर में। तो हम जम्मू कश्मीर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं जे एंड के, ठीक है ना। तो जे का क्या हो गया? रैंक 10 हो गया। के का क्या हो गया? रैंक 11, ठीक है ना। तो 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। जम्मू कश्मीर का क्या मैटर हो गया? 10 से 11, ठीक है ना। अच्छा चलिए अगला, तो फिलहाल जे का आपको पता ही चल गया, के का 11 होता है। देखिए के का अगर 11 आप ऐसे नहीं अगर याद करना चाह रहे तब भी देखिएगा, एक इधर हो रहा है, इसको आप सीधा कर दीजिए, तभी भी क्या क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब यल का क्या होता है? यल का रैंक होता है 12। देखिए चलिए थोड़ा हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, और अगर लिखना चाह रहे तो आप उसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है, बिल्कुल उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक माध्यम है याद करने का। ठीक है, तो आई का रैंक कितना होता है? 9 होता है। जे का 10 होता है। के का कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, अब देखिएगा यल, यल का रैंक होता है 12, ठीक है ना, यल का रैंक कितना होता है? 12 होता है। अब याद करने के लिए लोग कहते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं कि लायन, शेर, शेर 12 बजे के बाद दहाड़ता है, या शेर कितने बजे के बाद दहाड़ता है? 12 बजे के बाद। तो यल का रैंक कितना होता है? 12। तो लायन कब दहाड़ता है? 12 बजे के बाद दहाड़ता है, ठीक है ना। तो एल का रैंक कितना हो गया? 12। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं यम। अच्छा ये एम है। अब यम का रैंक क्या होता है? यम का रैंक होता है 13। अब याद कैसे करोगे इसको? आप देखते हो ट्रक वगैरह पे या कोई बड़ी गाड़ियों पे लिखा रहता है मेरा 13 7, ठीक है ना, क्या लिखा रहता है? मेरा 13 7, ठीक है ना। तो मेरा और 13 जो साथ है वो एम का रैंक है, ठीक है ना। अगर अल्फाबेट में देखा जाए तो उसका एम का रैंक कितना होता है? 13। तो याद आप रखोगे मेरा 13 7, अगर कहो तो हम लिख भी दे रहे हैं मेरा 13 7, ठीक है ना। तो यहां से भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा
यन का रैंक कितना होता है? तो यन होता है 14 नंबर पे, याद हो रहा है ना, नोट करते चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो गई तो हमारी कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके बिल्कुल हमें शेयर कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है इस टॉपिक से रिलेटेड, हम वो आपको बाद में या फिर अगली कक्षाओं में हम आकर आपको वो चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो एम का हो गया, देखिए एम का रैंक कितना हो गया 13, यन का रैंक कितना हो गया 14, ठीक है। अगला देखा जाए, ओ का रैंक कितना होता है 15, चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, ओ का रैंक कितना हो गया 15, पी का कितना होता है 16, क्यू का कितना होता है 17, आर का कितना होता है 18, एस का रैंक कितना होता है 19, ठीक है। इसके अलावा टी का रैंक कितना होता है 20, ठीक, अच्छा यू का रैंक कितना होता है 21। अब देखिएगा हम आपको बीच बीच से बता रहे हैं, जैसे टी का रैंक कितना होता है 20, ठीक है। अब आपको तो पता ही होगा टी का 20 होता है, और आपने देखा होगा 20-20 क्रिकेट में इस समय बहुत प्रचलित है या बहुत दर्शकों को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है टी20 मैच, ठीक है ना। तो टी20 वर्ल्ड कप भी हो रहा है, हर दो साल में टी20 क्रिकेट भी खोले जा रहे हैं। इसके अलावा जो भारत में सबसे लोकप्रिय है वो क्या है, आईपीएल बीसीबीसी ओवर का होता है। तो टी का याद रखिएगा रैंक कितना होता है 20। अच्छा आगे चलते हैं, तो यू का रैंक कितना होता है 21, यू का रैंक कितना होता है 21। अच्छा 21 देखिएगा एक शुभ संख्या है, ठीक, और लोग कहते हैं यू गिव 21, याद रख लीजिएगा यू गिव 21 यानी आप मुझे 21 रुपया दें, ठीक है। कितना रुपया चाहिए आपको, 21 रुपए चाहिए, तो यू गिव 21 रुपीज, ठीक है। तो यू का आपको याद ही हो गया होगा, ठीक। वी का रैंक होता है 22, वी का रैंक कितना होता है 22 होता है, ठीक है, वी का रैंक होता है 22। अब देखिएगा ये भी है, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, तो क्या कहते हैं आओ दो दो हाथ हो जाए, ठीक है। तो भी को याद रखिएगा आओ दो दो हाथ हो जाए, यानी भी का रैंक कितना होता है 22 होता है, भी का रैंक कितना होता है 22 होता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखिएगा, भी का 22 होता है और डब्लू का कितना होता है 23 होता है, ठीक है ना। एक डब्लू नाम का व्यक्ति है, वो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, लेकिन वो इतना मेहनती है कि वो 24 घंटे काम नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि हम 30-30 घंटे काम कर लेते हैं, 22-23 घंटे काम कर लेते हैं। अब बताइएगा डब्लू 23, ठीक है, डब्लू कितने काम, डब्लू जो है कितने घंटे काम करता है, तो 23 घंटे डब्लू काम करता है, ठीक है ना। वी का रैंक कितना होता है 22 होता है, आओ दो दो हाथ हो जाए, या वी का 22 होता है, अगर आप वी और डब्लू देखिए तो 22-23, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, 24 घंटे काम देखिए कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन डब्लू एक ऐसा व्यक्ति है जो लगभग में 23 घंटे काम कर लेता है, कितना कर लेता है 23 घंटे काम कर लेता है, ठीक है ना। तो देखिएगा जेड को तो मैं पहले बता दिया था, अगर आपको ये पता है पहले पे है तो भैया जेड 26 पे है, याद करिएगा, कोई याद कराने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा उसके पहले वाई कितना है 25 है, ठीक है, एक्स कितना है 24 है, ठीक है। अब देखिएगा एक्स एक्स, ठीक है ना, यहां से आप याद रख सकते हैं 24। डब्ल्यू का मैंने बता ही दिया, वी का बता दिया है, टी का मैंने बता दिया टी20 होता है, एस का रैंक कितना होता है 19 होता है, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को कि ये चीजें आप लोग बिल्कुल ढंग से समझ गए होंगे, इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल हमारे कमेंट सेशन में जाइए, वहां टाइप करिए सर प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बार फिर से मैं सारी चीजों को रिवाइज करवाऊंगा। चलिए ठीक है, एक बार फिर मैं बस 2 मिनट का टाइम दीजिए फटाफट, जैसे चलिए बताइएगा ए का कितना होता है, बी का कितना होता है, सी का कितना होता है, डी का कितना होता है। तो मैंने जैसे आपसे पूछा टी, तुरंत बता दीजिए टी20 वर्ड क्या, मैंने कहा आई, तो आप तुरंत बता दीजिए सर मिलता जुलता आई 9, ठीक है ना। जे का कितना होता है 10, मैं जम्मू कश्मीर से, ठीक है। के का कितना होता है 11, एम का रैंक कितना होता है 13, मेरा 13-7। अगर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एम होता है 13 और टोटल लेटर होते हैं 26, और एम क्या करता है विभाजक का कार्य करता है, यानी 13 इधर हो गए और
13 इधर 13 13 26 तो यम हमेशा मिडिल में रहेगा, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। के का कितना होता है 11, ठीक। आई का 9 होता है, जी का 7 यानी जी 7, एफ का 6 होता है, ठीक। यस का रैंक कितना होता है 19 होता है, एस का रैंक कितना होता है 19 होता है। देखिए याद कर लीजिए, याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर नहीं याद हो रहा है तो रफली करिए और एक एक लेटर एक दिन में याद करिए, तब भी आपका आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करिए, अगर नहीं कोई चीज जैसे आपको लगेगा, जैसे मैं अपना बता रहा हूं तो मुझे लमसम में सारे वर्ड याद कर हो जा रहे थे, लेकिन एक वर्ड नहीं याद हो रहा था। क्या नहीं याद हो रहा था? क्यू, ठीक है ना। तो मैंने कहा क्यू का होता है 17, बोलो कैसे? मैंने कहा सारे लेटर तो मुझे याद है, लेकिन बस एक ही लेटर मुझे नहीं याद है, और जो नहीं याद है वो क्या है? क्यू। तो क्यू का रैंक हो गया 17। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा कि आपको सारे वर्ड याद है लेकिन एक नहीं याद है, और जो नहीं याद है वो क्या है? क्यू, 17, ठीक। डब्ल्यू मैंने कहा दोस्त है, बहुत मेहनती है, लगभग 23 घंटे काम कर सकता है। वी का रैंक होता है सबको पता है 22, और दो हाथ हो जाए। यल का रैंक होता है लायन, 12 बजे के बाद दहाड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से आप याद रखिएगा। तो ये आज की हमारी सेशन था, अगर आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेशन में जाके आप टाइप करें, और कल की क्लास बहुत विद इन टाइम, कल बिल्कुल समय से होगी, और ये समझिएगा कल हम अपोजिट पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इसी से आगे हम करेंगे कंटिन्यू। तो चलिए, थैंक यू क्लास।